उन्होंने खालिस्तान वो चला नहीं, अब उन्होंने दहशतगर्द वो चला नहीं, उन्होंने न जाने टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ से ले आए, क्या लाए, जो चाहते हैं बोल देते हैं, इनके जो लीडर चाहते हैं जो चाहे उस पर चाय लगा देते हैं कि ये नक्सलवाद है, ये दहशतगर्द है, ये खालिस्तानी है, ये जो है ISI उसको भी उन्होंने जोड़ा। जब सरकारें मनमानी करती हैं और किसी की नहीं सुनती हैं तो यही होता है कि लोग सड़कों पर निकल करके आते हैं। और अभी किसान आंदोलन है, मैं तो कहता हूँ किसान क्या, अभी तो जो सारे इश्यूज हैं उसको लेकर के तमाम लोग सड़कों पर आएंगे। ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट को वो किसी भी तरफ ले जाना चाहें, दहशतगर्दी से जोड़ें, खालिस्तानी मोमेंट से जोड़ें, इसमें हिंदू मुस्लिम कर नहीं सकते, इसलिए किसान जो है वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सारी कम्युनिटी के लोग हैं, सारी कास्ट के लोग हैं। तो ये एक आंदोलन ऐसा चला है, ये सैलाब, जन सैलाब जिसे कहते हैं ना, वो उभर करके सामने आया है। दोस्तों आदाब अर्ज है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ, मेरे साथ जेड के फैजान साहब, काफ़ी दिनों अपने गांव रहे हैं जौनपुर में, काफ़ी तो नहीं आए वहाँ से क्योंकि 4-6 महीने यहीं कोरोना फंस गए थे। आपको बहुत बहुत खैर मकदम है हिंद वॉइस पर। और एक बार फिर दर्शक, आप नहीं आए थे तो हमारे सामाईन बड़े खत डाल के पूछा कि क्यों नहीं आ रहे, क्या नहीं आ रहे, हमने कहा वही वजह से जिसको बता दिए कि मसरूफ है। आना जाना तो रहा, शंटिंग में रहा थोड़ा सा, आई कुड नॉट स्पेयर सम टाइम। आ जाए तो आप पूरा फायदा उठा रहे हैं। खासा भाई बताइए कि जो ये एजिटेशन चल रहा है किसानों का, आप किसान भी जी, और जिस तरीके से गति पकड़ रहा है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे CAA का हुआ था कि हिंदुस्तान में हुआ तो बाहर विदेशों तक फैल गया था, तो इसकी भी कनाडा का तो यहाँ तक आ गया कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर उसने मना कर दिया इसको डिनाई करने से, इसीलिए वो कह रहे जो कहा हमने वो सही कहा। अमेरिका से भी लेटर्स आ गए हैं, तो वहाँ के सांसद वगैरह ने लिखा है, UNO से भी इनके ऊपर कंडमनेशन आने लगा है किसान को लेकर के ना, किसान को लेकर। इससे पहले CA के लिए भी तो हुआ था, मूवमेंट चल रहा था। तो अब इस तरीके से इसमें कई चीज़ें बोली जा रही हैं जो माइनस मोदी जी, कोई कह रहा है नक्सल है, कोई कह रहा है पाकिस्तानी है, कोई कह रहा है चीन के लोग आके बैठ गए हैं। हालांकि किसान नेताओं से बात करते तो बोले बोला गिरफ्तार कर लो, कैसे आ गए थे तो तुम्हारी कमजोरी है, आ कैसे गए, पाकिस्तानी चाइन गिरफ्तार कर ले जाओ। अब योगी जी भी आ गए हैं इसके मैदान में, कल मेरठ में एक रैली की उन्होंने जी, जी। मेरठ में, क्योंकि दिल्ली में एजिटेशन चला, मेरठ में भी चल रहा, तो उन्होंने इसको वही जैसा सब लोग कह रहे हैं कि इसमें बाहरी ताकतें आके मिल गई हैं, वो कर रही है और हम उनके साथ कड़ा सलूक करेंगे। मोदी योगी जी हर किसी के साथ कड़ा सलूक करते हैं, कुछ नहीं उनका कड़ा सलूक आपने देखे ही है, वो एक कानून पास कर देते हैं जैसे कि उन्होंने अभी लव जिहाद के लिए कानून पास कर दिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से जो कर रहे हैं, ऐसा है कानून का मामला तो ये है कि सारी बातें वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए कर रहे हैं। कोरोना का फ़ायदा जो है सरकार जो है पूरी तरह से उठा रही है। मैं आपको याद होगा अनिस साहब कि मैंने आप ही के चैनल पर जब ये ऑल ऑफ ए सडन लॉकडाउन हुआ था तो मैंने कहा था, तीसरे चौथे दिन इस तरह की बात थी तो मैंने कहा था कि ये एक पॉलिटिकल मूव है, समझा आपने, ऑल ऑफ ए सडन लॉकडाउन करना, तो उसके आड़ में सारा काम ये कर रहे हैं, सारे के सारा काम जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए कर रहे हैं, जो कह दिया वो कानून है, वो लव जिहाद हो या कोई, वो लव जिहाद तो खैर UP में उन्होंने किया है लेकिन वहाँ भी उन्होंने ऑर्डिनेंस का किया। असल में मोदी जी की लाइन को सबसे ज़्यादा जो लेके चल रहा है, टो कर रहा है कहना चाहिए, वो हमारे योगी जी हैं, बल्कि उससे भी एक हाथ आगे निकल करके ये काम कर रहे हैं। और मैंने बार बार ये बात की, मैं रिपीट करूँगा कि उनके दिमाग में जो है वो वज़ारत आला की कुर्सी से हट करके वज़ारत उज़्मा की कुर्सी यानी वज़ीर आज़म बनने की, प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश उनके दिल में है। और ठीक है, वो सोचते हैं कि भाई जब कट्टरपंथी ही लोग हो रहे हैं तो मैं मोदी से बड़ा कट्टरपंथी होकर के दिखाऊं और साबित भी करूं। खैर गेरुआ वस्त्र वगैरह पहन करके वो अपना काम कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, तो मोदी जी ने भी थोड़ा सा इधर दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल साधु बाबा के अंदाज में बढ़ाई है, जैसे अयोध्या का कोई बाबा हो, तो लेकिन भरा लोग गेरुआ वस्त्र से अब नहीं पहना तो नहीं पहना उन्होंने।
तो मोदी जी वो एक हाथ आगे जाने की बात कर रहे हैं। अभी जो आपने बात कही किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन और CAA का जो आंदोलन चला था दोनों में एक चीज़ कदर मुश्तरक है। अलग क्या है? अलग ये है कि उसको इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, हालांकि वो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके वो एक तरह से मुस्लिम्स के का इशू बनाने की बना दिया नहीं बना नहीं दिया बनाने की पूरी कोशिश की, नाकाम उसमें भी रहे। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ उसमें इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन वो इशू जो है वो कोई मुसलमानों का इशू नहीं बन पाया, इसलिए कि उससे पूरा मुल्क मुतासिर हो रहा था और इन्होंने लाख कोशिश की उसको करने की, वो हो नहीं पाया, लगे रहे उसमें। लेकिन चूंकि शाहीन बाग था, चूंकि उसमें लखनऊ घंटा घर था या इस तरह की चीज़ें, तो उसमें लग ये रहा था कि शायद एक कामयाब होंगे, इसी में लगे हुए थे। किसान आंदोलन में वो इस बात को लेकर कामयाब होने वाले नहीं है, चाहे वो जितना भी कुछ कर लें। कदर मुश्तरक क्या है? मुश्तरक यह है कि वो भी अवामी आंदोलन था। जी, अवामी था, उसमें कोई लीडर दाएं बाएं नहीं खड़ा था, बल्कि कोई मंच पे आने नहीं पाता था किसी पार्टी का कोई हो नहीं। और जो भी लोग वहां हिस्सा ले रहे थे अवाम उनको जानते तक नहीं थे जो लीड कर रहे थे। अगर उनके जो बहुत सारे लीडर्स के नाम आए लोकल लेवल पर, आज भी पूछ दो कि उसको लीड कौन कर रहा है था, तो कोई बताने वाला नहीं। यही बात यहां पर भी है, अगर आज पूछ दो कि उसको लीड कौन कर रहा है तो आम आदमी नहीं जानता। जी जी, इसलिए तो ये भी अवामी शक्ल में आया है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि उसको हिंदू मुस्लिम करके ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कोशिश किया, कामयाब नहीं होते लेकिन लगे हुए थे। इसमें वो कुछ भी कर लें ये कामयाब होने वाले नहीं है। योगी ने जी ने जो बयान दिया, जो बात कही मेरठ में आकर के, थोड़ा दिल्ली के करीब आकर के, खैर वो तो कहीं भी कहते, वो तो मीडिया उनको पकड़ के हाईलाइट करता, मीडिया तो जो खबरें दे रहा है आपके सामने, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं जिस तरीके से कर रहे हैं वो तो मीडिया सब छुपा एक तरह से रहा है। कुछ हैं दो एक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो इस खबरों को दे रहे हैं, तो वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब ये कभी तो कहते हैं कि साहब ये पहले तो इन्होंने उसको दहशत खालिस्तान, चूंकि उसमें इत्तेफाक से चूंकि पंजाब इसमें आगे आगे है, पहले आया जुड़ तो सब गए, हरियाणा के लोग जुड़ गए, राजस्थान के लोग जुड़ गए हैं और पूरे मुल्क के लोग जुड़ गए हैं। तो अब ये कहते हैं कि अगर कोई पटना में कर रहा है तो कहते हैं, और समस्तीपुर में कर रहा है तो कहते हैं, वहाँ तो RJD के लोग कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कोई और कहीं कर रहा है तो कहते हैं वहाँ के लोग कर रहे हैं, कोई महाराष्ट्र में कर रहा है तो कहते हैं शिवसेना के लोग कर रहे हैं, तो ये तो कह दें। तो पहले इन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द खालिस्तान कहने की कोशिश की, क्योंकि सरदार उसमें ज्यादा है इत्तेफाक से, और ज्यादा का मतलब ये है कि नुमाया हो जाते हैं पगड़ी की वजह से, समझा आपने। तो उन्होंने खालिस्तान वो चला नहीं, अब उन्होंने दहशतगर्द वो चला नहीं, उन्होंने न जाने टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ से ले आए, क्या लाए, जो चाहते हैं बोल देते हैं, इनके जो लीडर चाहते हैं जो चाहे उस पर चाय लगा देते हैं कि ये नक्सलवाद है, ये दहशतगर्द है, ये खालिस्तानी है, ये जो है ISI उसको भी उन्होंने जोड़ा जोड़ा है। वो कहते हैं जो ये SCA के लोग थे इसके अंदर आके जुड़ गए हैं। अरे भाई, जब कोई आंदोलन चलता है तो आंदोलन को कुछ लोग उठाते हैं, उसमें वो चल पड़ता है, चढ़ने के बाद सपोर्ट तो हर जगह से मिलती है, क्यों नहीं। ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं, अगर उसके अंदर कोई बोल रहा है तो क्या गलत कर रहा है, वो उनका आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है, वो मंच पे किसी को आने नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर ZK फैजान उसके अंदर बोलता है और कहता है तो इसका क्या मतलब होगा? मैं किसान नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ भाई, मैं यहाँ से जो अभी आप कह रहे थे कि गांव में जाता हूँ तो मैं किसानी करता हूँ, मैं खेत पे जाता हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अपनी जगह पर, लेकिन मैं तो बाकायदा खेत पे जाता हूँ, खेत पे जाकर के बैठता हूँ, उनको लोगों के बीच में रहता हूँ, तो मैं किसान नहीं हूँ। मैं अगर बोलता हूँ तो आप कहेंगे साहब आपका ताल्लुक जो है फला तंजीम से है, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। हर कोई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी में हो, समाज पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, RJD में हो, किसी पार्टी के अंदर हो, शिवसेना के अंदर हो, वो है तो किसान, उसके अंदर किसान है। तो अगर वो अपनी कैपेसिटी में बोलता है तो क्या बुरा करता है? नंबर एक। नंबर दो, पॉलिटिकल पार्टियां अगर सपोर्ट कर रही है तो क्या कर रही है? मैं एक बात कह रहा हूं, सपोज ये है कि मैं कहता हूं सच कहना अच्छी बात है, तो अगर कोई आदमी उसको कहे जो मेरा मुखालिफ हो तो मैं कहूँगा नहीं नहीं ये बात ना कहे, क्यों ना कहे भाई, उसको पूरा हक है हासिल इस बात को कहने का।
तो ये जो है, ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट को वो किसी भी तरफ ले जाना चाहें, दहशतगर्दी से जोड़ें, खालिस्तानी मोमेंट से जोड़ें, इसमें हिंदू मुस्लिम कर नहीं सकते, इसलिए किसान जो है वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सारी कम्युनिटी के लोग हैं, सारी कास्ट के लोग हैं। तो ये एक आंदोलन ऐसा चला है, ये सैलाब, जन सैलाब जिसे कहते हैं ना, वो उभर करके सामने आया है। आंदोलन जैसे CAA का था, मैंने कहा था मुश्तरक चीज़ यह है कि वो भी वहाँ पर भी किसी के हाथ में नहीं था, यहाँ पर भी किसी के हाथ में नहीं है। अब ये तो सरकार है जो प्रोपेगेंडा कर रही है कि साहब उसको हाईजैक कर रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, ना कोई ओवरटेक कर रहा है, ना कोई हाईजैक कर रहा है, ये किसानों का आंदोलन है। और मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा आंदोलन है कि इसमें सरकार को समझ लेना चाहिए, सरकार अभी से अपनी जगह पर अगर होश संभाल ले तो ठीक है, वरना इस आंदोलन में सरकार को मुंह के खानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि ये अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। और बात सिर्फ ये इसकी नहीं है, क्या कहते हैं, किसानों की जो बात है और खेती के जो मसाइल हैं जिनको लेकर के 3 कानून बनाए गए हैं, उस पर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उसके बारे में बताऊँ, मैं समझता हूँ काफ़ी लोग उसके अंदर जान भी गए हैं, लेकिन जो ये साल भर से और 6 साल की सरकार आने के बाद जो झूठे वादे करते 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 यहाँ तक बात पहुँचती है, ये लावा है जो फट पड़ा है, ये लावा है जो फट पड़ा है, एक आंदोलन है और बहुत बड़ा आंदोलन उठ के आ रहा है। ये बात है कि कैसे सरकार फंक्शन कर रही है, ये भी है इसलिए कि अगर आपको सरकार से इतनी आप किसानों से इतनी हमदर्दी है तो ये चोरों की तरह बिल क्यों ले आए, मतलब धीरे से एक दिन ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया, जल्दी क्या थी? अगर मैं बुनियादी तो पर सवाल करता हूँ कि इसको कानून को बनाने की जल्दी क्या थी? कैमरे बंद करके आपने किसी किसान से कोई बात, तंजीम से कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया और धीरे से ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया, ऑर्डिनेंस नाफिज करने के बाद उसको पार्लियामेंट में ला के पास कर दिया। अब आप ये कहते हैं कि पार्लियामेंट से पास हो गया, पार्लियामेंट में जो है पार्लियामेंट आवाम के जज्बात को रिप्रेजेंट करती है, तो आप अक्सरियत में हैं, आप आवाम के जज्बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। फिर अगर आपको अक्सरियत में आप हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप जो चाहें सो करेंगे। जब सरकारें मनमानी करती हैं और किसी की नहीं सुनती हैं तो यही होता है कि लोग सड़कों पर निकल करके आते हैं। और अभी किसान आंदोलन है, मैं तो कहता हूँ किसान क्या, अभी तो जो सारे इश्यूज़ हैं उसको लेकर के तमाम लोग सड़कों पर आएंगे। अब वो कह रहे हैं कि साहब इसके अंदर वो कहीं से कोई अपने ही लोग, देखिए होता क्या है, आंदोलन को सबोटाज करने के लिए करते क्या है, अपने ही लोगों को भेज देते हैं, कुछ लोगों को खड़ा कर देते हैं कि CAA का बोर्ड लगा के खड़े हो जाओ, कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये जो दिल्ली में जो राइट वाइट हुए थे उनके उस चक्कर में कुछ बोर्ड लगाए खड़े हो जाओ, तो इस तरह के जो, और फिर उसको क्लिक करके कहते हैं साहब देखिए इसमें कश्मीरी लोग घुसे हुए हैं, इसमें जो है खालिस्तानी घुसे हुए हैं, इसमें जो है IS के लोग घुसे हुए हैं इसमें, तो ये चीज़ें चलने वाली नहीं हैं। और सरकार को मैं समझता हूँ कि अपना समझ लेना चाहिए और अभी से वो कर लें तो ठीक है, वरना सरकार को इसके अंदर मुंह की खानी पड़ेगी, ये मेरा पूरा यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। एक बात और बता दें इसी चीज़ में कि अब इन्होंने इसको सबोटाज करने के लिए भारतीय किसान संघ को आगे किया है, जो कि डिमांड कर रही है, वही डिमांड जो ये फर्जी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी और भारतीय किसान संघ RSS की शाखा है, जिसके तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा मेंबर हैं और 1000 से भी ज़्यादा गांव में उसका फैलावा है। अच्छी और RSS की खाटी RSS की है ये, कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में पूरा देने का मामला है, उनकी उनके गोडाउन बन रहे हैं, बनके तैयार बनके चले जा रहे हैं, मतलब गोडाउन जो हम गांव में देखते हैं छोटे छोटे जगहों पर, जिले में और तहसील के लेवल पर, वो जो गोडाउन है जिसको आप लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा गोडाउन, अरे उसके सैकड़ों 200 गुना 300 गुना बड़े बड़े गोडाउन बना रहे हैं, ये मतलब लाखों लाख टन उसके अंदर जमाखोरी करेंगे और बाद में बेचेंगे, मंडी समिति में तो खात्मा होगा, वो सब आपके सामने है, उसको मैं जाना नहीं चाहता। जी जी, आप तो चूंकि वहीं से वहीं रहते हैं और ये मामला जो है हिंदुस्तान की जो आज की मौजूदा सरकार है, जो उसकी फंक्शनिंग है, जो तरीक़ेकार है, उसको भी एक चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले फिर अगर
जैद के फैजान साहब दिल्ली में हुए तो उनके साथ हाजिर होंगे। मैं हाजिर हूँ भाई। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।